छत्तीसगढ़ में एक मंदिर ऐसा भी है जिसके पट साल में सिर्फ एक ही बार खुलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, साल में सिर्फ एक ही बार इस मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खुलते हैं। विजयदशमी के मौके पर इस मंदिर का एक विशेष महत्व है। राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में बसा ये मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, जहाँ साल में सिर्फ एक दिन भक्तों का तंता लगा रहता है। यूं तो भारत में मंदिरों के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथाएं जुड़ी होती हैं। ऐसी एक कहानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है, जहां राजधानी रायपुर के बीच में बसे कंकाली तालाब स्थित कंकाली तालाब के पास कंकाली मठ है और उसके पास कंकाली मंदिर का है, जो पूरे साल भर में मात्र एक ही दिन खुलता है और यह विजयदशमी के दिन ही खुलता है, जहाँ भक्तों का तांता लगा होता है। यहाँ शस्त्रों की पूजा की जाती है और श्रद्धालु यहाँ अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना करने दूर दूर से आते हैं, माता कंकाली से मनोकामना मांगते हैं। वहीं हमारे विशेष संवाददाता योगेश यादव ने मठ के महंत से खास बातचीत की। जो कंकाली तालाब है, कंकाली मठ है, उनके महंत जी हमारे साथ हैं। इसकी जो कहानी है क्या क्या है, महंत जी से जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ये जो कंकाली मठ है, क्या कहानी है इसके पीछे, पूरी क्या सच्चाई है? जी देखिए, जो पहले देवी थी, देवी 700 साल पहले यहीं विराजमान थी कंकाली मठ में। फिर 300-400 साल बाद उनको कंकाली मंदिर में स्थापित किया गया महंत कृपाल गिरी द्वारा, और वहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया गया, तालाब का निर्माण कराया गया। लेकिन मान्यता है कि विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन, देवी एक दिन के लिए अपने पुराने घर यानी यहाँ कंकाली मठ में आती है और उनके अस्त्रों शस्त्रों की पूजा की जाती है विजयदशमी के दिन। महंत जी, क्या ये जो विजयदशमी के दिन ही फाटक द्वार जो है खुले होते हैं, क्या कारण है कि मात्र पूरे साल में एक ही दिन, एक ही दिवस विजयदशमी के दिन ही क्यों खुले होते हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, विजयदशमी के दिन ही अस्त्रों शस्त्रों की पूजा की जाती है और ये मान्यता है कंकाली देवी की कि वो एक दिन के लिए अपने पुराने घर आती हैं, और उन्होंने हमारे पुराने जो पूर्वज थे महंत कृपाल गिरी जी, उन्हें सपना भी दिया था कि उन्हें स्वप्न भी आया था कि वो विजयदशमी के दिन एक दिन के लिए अपने पुराने घर यहाँ कंकाली मठ आएंगी, कंकाली मंदिर से तब उनकी पूजा की जाएगी, तो वो रीति रिवाज चली आती आ रही है। महंत जी, हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो अस्त्रों शस्त्रों की पूजा की जाती है, किस प्रकार से अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं और कब सफाई की जाती है? कहा है कि जब बता रहे हैं कि जो फाटक है वो मात्र एक ही दिन खुले होते हैं, तो जो अस्त्र शस्त्र कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे, मैं कैमरा को बोलूंगा, जो अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे हैं इसकी सफाई कब की जाती है, किस प्रकार से सफाई की जाती है, और आज जो है श्रद्धालुओं के लिए इसके द्वार खुले हैं? जी, अस्त्र शस्त्रों की जो सफाई है वो विजयदशमी के एक दिन रात को पहले ही पट खोल दिया जाता है और पंडितों द्वारा उसे सजाया जाता है, लेप लगाया जाता है, जितनी भी सजावट देख रहे हैं वो एक दिन पहले होती है, रात को, रात 12 बजे के पहले थोड़ी देर के लिए खोल दिया जाता है, फिर पुनः बंद कर दिया जाता है, फिर सुबह भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। तो जिस प्रकार से हमने महंत जी से बात किया और मैं तस्वीर कैमरा को बोलूँगा, तस्वीर दिखाया, तस्वीर जो है दिखाई दे रहा है, ये जो मठ है और ये जो फाटक है ये साल में मात्र एक ही दिवस खोले जाते हैं, और जो आपको हथियार या जो शस्त्र हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, महंत जी का कहना है कि ये जो हथियार रखे हुए हैं इसकी पूजा की जाती है श्रद्धालुओं के द्वारा, और यहाँ मात्र विजयदशमी के दिन ही इस इन हथियारों के लिए जो प्रवेश द्वार हैं, ये जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, काफ़ी श्रद्धालु जो हैं शस्त्रों को और ये जो कंकाली मठ है उसको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं, और काफ़ी श्रद्धालु जो हैं पूरे दिन भर यहाँ श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा होता है। हमारे साथ महंत जी जुड़े हुए थे और यहाँ की जो पूरी कहानी है, किस प्रकार से यहाँ की जो पौराणिक कथाएँ हैं उसको महंत जी ने प्रकाश डाला और बताया कि क्यों जो प्रवेश द्वार है एक ही दिन खोला जाता है।